द बॉल पोएम का आज हम सरल भाषा में हिंदी में अनुवाद करेंगे। इस पोएम में एक छोटे लड़के की गेंद खो गई है, इस वजह से वह बहुत निराश है। एक गेंद की कीमत ज़्यादा नहीं होती है और एक नई गेंद खरीदना कोई नई बात भी नहीं है, फिर वह लड़का इतना निराश क्यों है? आइए जानें इस कविता में। लड़का जिसकी गेंद खो चुकी है अब कैसा महसूस करता है, उसे अब क्या करना है? मैंने उसे गली में नीचे की ओर खुशी से उछलते देखा था, यानी बॉल को उसने खुशी से गली में उछलते हुए देखा था और तब खुशी खुशी पानी में जाते हुए देखा। इस बात को कहने का यहाँ कोई अर्थ नहीं है कि गेंदे तो और बहुत है, अर्थात यह एक बहुत छोटा सा नुकसान है और इसके लिए इतना शौक करने की आवश्यकता नहीं है। एक असीम घोर निराशा लड़के को जड़ कर चुकी है, क्योंकि वह बिल्कुल स्थिर कांपता हुआ और नीचे एक टक देखते हुए खड़ा है, मानो उसके बचपन के सारे दिन उस गेंद के साथ चले गए हों। मैं उसे यह अनावश्यक बात कभी नहीं कहूँगा कि वह गेंद केवल 10 सेंट मूल्य वाली थी और तुम दूसरी गेंद भी ला सकते हो। जब वह इस अधिकार की भावना रखने वाले संसार में अपनी प्रथम जिम्मेदारी को महसूस करता है, लोग गेंद ले लेंगे और गेंदें हमेशा खोती रहेंगी। हे छोटे लड़के, किंतु कोई भी खोई हुई गेंद को नहीं खरीद सकता है। यह सारा धन एक बाहरी वस्तु है, अर्थात यह आंतरिक खुशी नहीं खरीद सकता है। वह अपनी हतोत्साहित आँखों से किसी प्रिय के खोने के ज्ञान को सीख रहा है कि किस प्रकार जीवन में जिया जाए। वह जानते हुए कि हर इंसान एक दिन अवश्य ही यह जान जाएगा और ज़्यादातर इंसान कई दिनों में यह जान जाएंगे कि इस संसार में कई प्रकार के अविचलित प्रकार होते रहते हैं और उनमें किस प्रकार से जिया जाए।